आज जो है, जैसा कि अभी पवित्र पावन सावन माह चल रहा है, तो इसमें सनातन धर्म के युवा बुजुर्ग मात्र शक्तियों के द्वारा भगवान भोलेनाथ की उपासना और साधना की जाती है। पवित्र नदियों के जल से भगवान भोलेनाथ का कावड़ यात्रा के द्वारा अभिषेक किया जाता है। परंतु जब ये साधना हमारे युवा बुजुर्ग मात्र शक्ति नंगे पांव रोड़ों से चलकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाते हैं, तो वहाँ रोड किनारे लगी मांस मछली और अंडे की दुकानों के जो कचरा और अवशेष जो जानवरों के रहते हैं, वो इनके नग्न पाँव में आते हैं, जिससे इनकी जो तपस्या और साधना है वो भंग होती है। तो आज हमने कलेक्टर साहब से ज्ञापन के माध्यम से यही मांग करी है कि जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रस्ताव पारित है कि सड़क किनारे यह दुकानें नहीं लगना चाहिए, परंतु हमारे खंडवा जिले में यह ग्राम नगर सभी जगह संचालित हो रही है, तो हमने मांग करी है कि यह दुकानें वहां से हटाई जाए, इनको बंद किया जाए, अन्यथा बजरंग दल जो है वो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। आदित्य मेहता, जिला संयोजक, बजरंग दल, खंडवा।